ता समझावा तेनू प्यार दिया राहा विच वे यार दिया बाहा विच वे सजन जे साथ ना होवे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग कोलकाता, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो गाइस, आप लोग कैसे हो? गाइस आई होप आप लोग अच्छे हो, सब खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, ऑल हैप्पी रहो। तो गाइस अभी इस वेदर से बचो, वेदर चेंज हो रहा है और सबकी तबीयत ख़राब हो रही है और मेरी तो ऑलरेडी हो चुकी है। मैं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ क्योंकि मेरी आपकी मतलब आप लोगों को मेरी आवाज़ सुन के पता चलता होगा कि मैं ठीक हूँ या नहीं ठीक हूँ। तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई, बहुत तबीयत मेरी ख़राब हो गई है। तो अभी गाइस टाइम हो रहा है 8:25, उठी हूँ, उठ के गर्म पानी से मतलब ब्रश वगैरह किया, फ्रेश हुई हूँ। तो गाइस दीदी ने बोला टिफ़िन का, मैंने पूछा, दीदी ने बोला टिफ़िन में तेरी भी तबीयत ख़राब है, हल्का केक वगैरह डाल दे। फिर आज तो वैसे भी कैंड है, वैसे फ्राइडे है, तो केक वगैरह उसको टिफ़िन में डाल दिया, पैक कर दिया। और दीदी गाइस अभी उसको उठा रही है स्कूल के रेडी कर मतलब रेडी होने के लिए। गाइस मैं आपको मिलवाती हूँ हर्षवीर से, और उससे पहले गाइस मैं बता दूँ कि आज का वीडियो एकदम नॉर्मल होने वाला है। आई मेरी तबीयत बिल्कुल भी गाइस ठीक नहीं है और बहुत ही ज़्यादा ना खांसी हो रहा है, आवाज़ तो बिल्कुल निकल ही नहीं रही है गले से। फिर वीडियो शूट कर रही हूँ मैं, मुझे ही पता है कि मैं कैसे शूट कर रही हूँ, गले से एकदम मतलब यहाँ पे खड़ास हो गया, जल रहा है गला एकदम से, इतना बहुत ही गंदे तरीके से सर्दी लगी है मेरे को। ये वेदर चेंज होने की वजह से मैं बीमार हुई हूँ। चलो कोई बात नहीं, आपको मिलवाती हूँ इसमें हर्षवीर से। तो गाइस ये लो, हर्षवीर से मिलो आप। हेलो हर्ष, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो दीदी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए मेरे लिए से मिलो, लिए घूम रही कैसे इधर उधर। तो गाइस हर्षवीर को छोड़ के आते हैं, मुन्नू तो कुछ हो गया, हर्षवीर की भी तबीयत खराब है, उसको भी खांसी वासी हो रही है। कैसे वेदर चेंज होने के बाद से सभी मतलब हर घर पे यही हाल है, तबीयत खराब है सभी का, सर्दी खांसी। ये चावल खाते हो? अब तो नहीं खाते ना, जिस दिन सर्दी का टेंडेंसी लग रहा था कि गला खराब होने वाला, उस दिन से चावल बंद है। ओए ठंडा पानी पाया ना की आधे च। तो गाइस हमारी सवारी निकल चुकी है, ये देख लो दोनों को, ठीक है अश्विन को लेके निकल दी थी, 48 हो गया, चलो फटाफट 48 हुआ है, 8:48। तो गाइस इसको छोड़ के आते अर्स। हाँ गाइस अर्शवी फिर से गैंगस्टर लुक में आया है। तो वैसे अभी अर्शवीर को हम स्कूल छोड़ के आ चुके हैं और थोड़ा भी सारा काम पड़ा है, बेड वगैरह सब समेटना है गाइस उधर। और उससे पहले ना गाइस पहले तो कुछ चाय वगैरह बनाती हूँ, मस्त गर्मा गर्म चाय, और कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करती हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह करके कुछ मेडिसिन लेती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं कुछ मतलब उधर का कोई काम वगैरह करूँगी, वरना उससे पहले तो मेरे से होना नहीं, क्योंकि ना मेरा सिर इतना दुख रहा है, इतना सिर मेरा फटा जा रहा है इतना सर्दी की वजह से। तो चलो करते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह। ब्रेकफास्ट वगैरह तो गाइस हुआ हमारा कंप्लीट, ठीक है, और अभी उधर मैंने मस्त बेड वगैरह सब समेट दिया है, सब कुछ कंप्लीट है। और दीदी मेरी आ चुकी है किचन में खाने का जुगाड़ लगाने, देखते हैं क्या बनाती है आज। दीदी दीदी नीचे सोई है। और गाइस उधर सब कुछ कंप्लीट हो गया, घर के काम समझ लो ऑलमोस्ट हो गया, बस खाने पीने का ही बाकी है। और गाइस मैं भी जा रही हूँ लिजू के लिए चिकन खरीदने, मेरे है पैसे और मैं भी लिजू के लिए जा रही हूँ चिकन खरीदने। तो गाइस मैं आपको मिलती हूँ बाहर। और तो गाइस मैं अभी पहले से थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ क्योंकि मैंने मेडिसिन लेके थोड़ा किया है, मेरे पैसे गायब हो जाने थे। ठीक है तो मैं आपको मिलती हूँ बाहर। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं शॉप पे जाने के लिए, लो तो आपको दिखाती हूँ शॉप जहाँ से लिजू का चिकन लेती हूँ। गाइस शॉप का नाम है आरम बाग और वहाँ पर चिकन बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और बहुत ही अच्छा मिलता है, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा अक्सर लोग डॉग के लिए ख़रीदने जाते हैं, तो हमारे इस एरिया में गाइस डॉग वगैरह घर पे रखना लोग बहुत पसंद करते हैं, तो वहीं पे जाते हैं चिकन लेने। तो मैं आपको मिलूँगी सीधा शॉप पे, वो दिखाती हूँ। तो गाइस मैं अभी आराम बाग में आ गई हूँ चिकन के शॉप में, तो अंकल ने अंकल को कॉल करके बुलाया है, ठीक है। तो देखो ये वो चिकन का शॉप है, ठीक है अंकल आ जाए, ऐसे किसी के बिना परमिशन के तो गए शॉप के अंदर जा नहीं सकते ना। उस वाले अंकल ने बोला नंबर पे कॉल करो तब वो आएंगे,
चलो ठीक है आ जाए, तब तक हम वेट करते हैं, दो मिनट का बोला अंकल। गाइस अभी हमने चिकन ले लिया है, ठीक है, रेडी था ले लिया। और ये भी पूरा मार्केट है सब्जी बाजार, निकलते हो सीधा घर लेके, यहाँ से मिलते हो घर पे। तो गाइस लिजू का चिकन तो मैं लेकर आ गई घर पे, ठीक है, आ गई थी, 10 मिनट हो गए मेरे को आए को, आते मैंने इसका चिकन और चावल रेडी कर लिया है। अभी अर्शवीर के स्कूल से आने का टाइम हो रहा है, जो बच्चे नीचे से जा रहे हैं तो उन पे चिल्ला रहे हैं, देखो ये देखो इन पे चिल्ला रही है, अर्शवीर आने वाला है जो पेंडिंग में फटाफट कर लेते हैं। सो हे गाइस फाइनली घर के सारे काम हुए ख़त्म, फिनिश। और गाइस मेरे दीदी ने खाना भी बना लिया, खाने में गाइस दीदी ने बनाया पता है क्या, आलू मटर की सब्जी पड़ी थी बस, आलू भुजिया रोटी वगैरह बनाई है, और जो चीज़ें थी फ्रिज वो सारी गर्म करी है। और अर्शवीर भी आ गया स्कूल से और अभी जिद कर रहा है नानी घर जाने का, तो उसका उधर में बहसबाजी चल रही है उसकी। और लीजू का भी खाना मैंने बना लिया, सो दिखाती हूँ मैं आपको, किचन वगैरह सब दीदी ने मस्त क्लीन कर दिया है इधर से। और ये गाइस लीजू का खाना जिसके अंदर है, ले जो अपने बैठी है, चलो इसको खाना खाइए। तो गाइस मैं आपको मिलती हूँ खाना खाते टाइम। तो गाइस आपको जैसा कि मैंने बोला था कि खाते टाइम मिलती हूँ, बट खाते टाइम मिलती कैसे गाइस, जैसे हम खाने बैठे अर्शवीर की मैथ बंगाली वाली टीचर आ गई, तो अर्शवीर को फटाफट खिला के अर्शवीर गया पढ़ने, और हमने फटाफट खाई खा के लीजा ने इधर पता क्या किया, इस वाली जगह पर कर दी गाइस उल्टी, इस वाली जगह पर फटाफट खाए साफ वगैरह किया, एकदम भी मौका ही नहीं मिला वीडियो शूट करने का, तो अभी खा पी के हुए हैं फ्री। और वैसे भी अर्शवीर नज़र नहीं आ रहा है पता है, वो गया हुआ है ट्यूशन, आज उसका शेड्यूल बहुत टाइट था, स्कूल गया फिर पहले बंगाली टीचर के पास पढ़ा, फिर अभी वो अपने टीचर के पास गया, क्योंकि अभी उसका फिर सैटरडे संडे छुट्टी है, तो इन्जॉय कर रहा है, तो इसलिए गाइस अभी वो गया पढ़ने और मैं लगी हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने, मैंने थोड़ी मेडिसिन लिया, पहले से तो तभी थोड़ा बेटर लग रहा है, बट अभी आई थिंक मेरे को हल्का बुखार लग रहा है क्योंकि ठंडे ठंड टाइप की लग रहा है, ठंड ठंड जैसा, तो ज़्यादा ले रखी है मैं लगी। और मेरे मेरी दीदी जी बैठी है, ठीक है, और मेरी दादी ने कपड़े उठा के लाई हैं बाहर बना बालकनी से, और दादी जी ये पता कौन है, ये है गाइस महक की दादी, तो महक का आज ट्यूशन था, वो भी आई हुई है, ट्यूशन गई हुई है, तो वो यहाँ पे बैठ जाती हैं बाहर बारिश वगैरह हो रहा है इसीलिए। तो इसी दौरान मैं थोड़ा गैस करती हूँ रेस्ट, अभी अश्वी कह रहे हैं तो टाइम है 1.5 घंटा पड़ता है, अभी जस्ट नीचे से छोड़ के ही आई हूँ, तो थोड़ा करते हैं रेस्ट। तो गाइस अभी मैं उठूँ थोड़ा सा रेस्ट करके, ये देखो अश्वी भी स्कूल से आ गए, ब्लॉक पागल हो गया, मैं हिल गई आई थिंक, मैं अभी भी नींद में हूँ, पर नहीं मैं तो नींद में नहीं हूँ यार, मैं तो अभी जस्ट रेस्ट करके उठी हूँ। अर्शवीर ट्यूशन से आ गया है और ये मोबाइल लेके बैठा हुआ है, और गाइस मेरी दीदी लगी है अर्शवीर के स्कूल वाले कपड़े वॉश करने, देखो इतने ठंड में, ये रही मेरी दीदी वॉशरूम में कपड़े साफ कर रही है अर्शवीर के स्कूल वाले। तो मैं जा रही हूँ गाइस इस दौरान थोड़ा मार्केट, और मार्केट से क्या लाना मैं आपको भी बता देती हूँ, वॉशरूम का लाइट ख़राब हो गया था, जो मैंने पहले वीडियो में बोला था लेकर आना था बट लेकर नहीं आए, भूल गए, उसने दिन से हम अंधेरे में ही काम चला रहे हैं वो मिनी लाइट से, ठीक है, जो हमने अपने छोटे घर में भी लगाया था और वॉशरूम में उसी से काम चला रहे हैं, ठीक है। तो इसी नहीं बस भूल जा रहे, जितनी बार मार्केट बाज़ार जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक के दुकान में नहीं जाते और भूल जाते हैं, तो कोई बात नहीं अभी लेकर ले आती हूँ। गाइस मैं मार्केट निकल चुकी हूँ, ठीक है, और नीचे ये दीदी मेरे को मिल गई, ममता दीदी से, हेलो दीदी, हेलो, हाय हाय। तो गाइस दीदी जा रही है डोसा खाने, ओके, बिकॉज इनके घर में बना है नॉनवेज और दीदी को नॉनवेज पसंद नहीं है, सो इसीलिए। और मैं तो जा रही थी अपने काम से मार्केट, तो दीदी ने बोला मेरे साथ चलने के लिए, तो मैं साथ जा रही हूँ, शॉप देख लूँगी डोसा का, बोलते वहाँ पर अच्छा बनाते, ये भी खा लेगी, नहीं 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 हाँ। तो आपको मिलते हूँ गाइस मैं शॉप पे, ओके। तो गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ डोसा शॉप पे, ये रहा ये
गाइस शॉप है, मैंने पहली बार आई हूँ यहाँ पे दीदी के साथ। दीदी तो शायद पहले अंदर बैठ गई, मैं वीडियो शूट करने के लिए दोबारा बाहर निकली। ये रही, कर रही है कि थोड़ा सा डोसा टेस्ट कर लो, कर नहीं सकते। बस दीदी अपना खाएंगे तब तक मैं निकल जाऊँगी अपने काम के लिए। दीदी के साथ आना था, मैं आ गई। एक्चुअल में तो मुझे शॉप देखना था तो कुछ, तो कैसे मैं तो निकल गई। दीदी ने शॉप दिखा दिया और प्राइस भी सही है, इतना कुछ महंगा नहीं है। तो अभी तो नहीं, अभी तो गैस नहीं खाऊंगी, कल परसों तक भैया आ जाए फिर भैया को बोलूंगी खिलाने के लिए, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ अपने वो सारे काम ख़त्म करने। दीदी का कॉल आया था, दीदी ने गैस मेरे को बोला आते हुए सैंडविच बनवा के लेकर आना। गैस आज हम सैंडविच खा रहे हैं, ओके। तो गैस वो सैंडविच शॉप पे आ गए, अंकल बना रहे हैं। तो गाइस अभी ना मैं सैंडविच और ये चिकन ब्रेड पकौड़ा, अश्विन का फरमाइश था, बाद में उनको कॉल करके आया, मतलब तो कॉल करके बोला उसने, दोनों चीज़ें ले ली है मैंने बल्ब के दुकान पे। बस मैंने फाइनली सारी चीज़ें ले ली है, और ये रहा बल्ब जो मैंने ले ली। पेमेंट तो गाइस सारा दीदी से करवा रही हूँ क्योंकि मेरे पास कैश बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस फाइनली इतना स्ट्रगल करने के बाद मैं सारी चीज़ लेकर आ चुकी हूँ घर पे, लेकर आ चुकी हूँ और मैं नीचे बैठ गई क्योंकि मेरे लात दुखने लग गई यार, थक गई मैं बहुत ज़्यादा। चलो बस अब प्लेट लेके यार। हाँ जी, तो गाइस दीदी से रिव्यू लेते हैं कि दीदी को सैंडविच कैसा लगा। एक्चुअली मैंने एक दो बार खाया था, मुझे पसंद आया, तो दीदी को मैंने बोला टेस्ट तो करके देखो फिर बोलना। तो गाइस चलो हम खाने लगे सैंडविच। वेरी टेस्टी। तो गाइस दीदी भी मेरी खा रही है, दिखाती हूँ मैं, ठीक है। अर्शी भी खा रहा है चिकन पकौड़ा। अर्शी की मैं लीजिए बैठी है। तो चिकन सैंडविच सॉरी चिकन ब्रेड पकौड़ा अर्शी इंजॉय करो और मैं वेज सैंडविच खा पी के मिलती हूँ। टाइम पता है गाइस कितना हो गया है, 8:30 कंप्लीट हो चुका है। तो आई थिंक हम रात को कुछ नहीं बनाने वाले, यही खा लेंगे, ठीक है। तो वैसे ही मस्त हमारा खाना पीना हो चुका है कंप्लीट, समझ लो रात का हुआ कंप्लीट, ठीक है। और मैंने मेडिसिन वगैरह ले लिया है गाइस, दीदी ने मेरे को भी मेडिसिन दिया, और घर में सभी को थोड़ी सर्दी सर्दी सी टेंडेंसी है। तो दीदी ने बोला और कुछ ना बनाते, कुछ नहीं करते, गर्मा गर्म मस्त अदरक वाली चाय बना के ले गया, दूध लेकर आए, दूध मैंने बॉयल किया, चाय बनाया, और अभी ये देखो चाय, और ये देखो इधर इधर देख लो। तो अभी गाइस मैं लगी हूँ चाय पीने, और मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब, मतलब सर्दी थोड़ी सी नॉर्मल है, और गाइस मेरे को बुखार नहीं हट रहा, मतलब अभी चेक करूँ तो 101 बुखार तो हो गई, क्योंकि मेरा गला वगैरह सब तप रहा है और पैर वैर बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं, बुखार है मुझे पता चल जाता है। तो अभी दीदी ने मेरे को मेडिसिन वगैरह दिया और मैंने खाया, चाय वगैरह पी के करती हूँ रेस्ट, रेस्ट क्या सो ही जाएंगे, ठीक है। और अभी टाइम पता है गाइस 9:25 हो चुका है। तो गाइस अभी हमारा चाय पानी पीना हो चुका है कंप्लीट। चाय पानी क्या, वही तो हम जस्ट ऐसे पिए रहे थे, पी लिया वो भी, और खाना पीना तो हमारा उस टाइम भी हो गया था। और गाइस मैं पहले से थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, क्योंकि लगता है आई थिंक मेरा बुखार उतर गया, मतलब पैर मेरा अभी भी जल रहा है, हाई प्रेशर, प्रेशर हाई हो गया ना, हाथ पैर दोनों जल रहे गाइस, देखो मेरे कान कितने लाल हो गए। वैसे अब मैं इसी दौरान इस ब्लॉग को कर रही हूँ यहीं पे एंड, और मैं जा रही हूँ सोने, मेडिसिन ले रखी है तो आई थिंक मेरे हिसाब से मुझे सोना चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आए, तो वैसे आप वीडियो को ना लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, वैसे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, आने वाली ब्लॉग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। सो गाइस प्लीज कीप सपोर्टिंग, ऐसे हालातों में मैं वीडियो शूट कर रही हूं, और ये मेरी दीदी उन लोग सो चुके हैं, तो टाइम हो चुका है 11:30। तो मैं बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।